रक्षर गढ़ लेना और शौर्य कभी सो जाए तो जाट महापुरुषों को पढ़ लेना, जाट महापुरुषों को। यहाँ पर मेरे ताऊ जी हनुमान जी बेनीवाल बैठे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि जननी जने तो एड़ो जंजे, कि जननी जने तो कि जननी जने तो एड़ो जंजे के दाता के सूर, नी तो रीजे बांझड़ी, व्यर्थ मत गवाजे नूर, व्यर्थ मत गवाजे नूर। सम्मान्य मंच, सम्मान्य मंच, यहां पर उपस्थित सभी जाट सरदारी और जाट चौधराहट को नमन वंदन अभिनंदन। करता है मेरा बालक मन, करता है मेरा बालक मन। मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, आप सभी ने यहाँ उपस्थित होकर मुझ जैसे नन्हे बच्चों को यह एहसास दिलाया है कि समाज में समय समय पर ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिससे हम जैसे बच्चे समाज की अहमियत समझ सकें और हमेशा समाज से जुड़े रहें। आज मैं बहुत खुश हूँ कि पहले जब भी समाज इकट्ठा होती थी तो मैं मेरे पापा के साथ हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी का सफ़र कर रही थी, लेकिन आज पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर जाट इकट्ठा हुए हैं। देखें, यहाँ पर हमारे परिवार के सिख जाट भी मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे मामा जी की ससुराल भी पंजाब के सिख जाटों में है। मेरे पैदा होने से पहले एक बार उज्जैन में जाट सरदारी इकट्ठा हुई तो थी, लेकिन मैंने सिर्फ उसके किस्से ही सुने हैं। आज देश की जाट सरदारी को यह ताकत महसूस होगी कि मध्य प्रदेश का जाट समाज भी आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत है। जाटों की एक खासियत है जिसकी तारीफ हर कोई करता है कि जाट आपस में कितना भी लड़ ले, कितना भी झगड़ ले, कितना भी मन मुटाव रख ले, लेकिन मुसीबत के समय एक हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर एक कहावत भी है कि जाट ब्याह में रुसिया करे और रोलिया में मान्या करे। अभी हम सभी ने देखा कि मेरी बड़ी बहनें और आपकी बेटियां जंतर मंतर पर न्याय के लिए बैठी हैं। उनके साथ पुलिस का यह खराब व्यवहार देखकर हमारी जाट सरदारी और जाट चौधराहट की ताकत रात को ही उठकर चल दी। जब सभी ने देखा कि दुनिया में हर कोई अकेला अकेला घुट रहा है, तब हमारी बुजुर्ग खाम पंचायतों को इकट्ठा कर दिल्ली जंतर मंतर पर कूच कर गए। इससे बड़ा सबूत और क्या सकता है कि हम आज भी एक दूसरे के लिए भावुक हैं। मुझे यह कहते हुए भी बहुत गर्व होता है कि बहन बेटियों के लिए मेरी कौम से ज्यादा सम्मान कहीं नहीं है। जाट समाज में महिला और पुरुष एक समान है, लेकिन जाटनी का किरदार बहुत मजबूत है। चाहे खेल हो, खेती हो, पढ़ाई हो, घर बाहर के काम संभालने हो, जाटनी जाट के बराबर की भागीदारी है। अगर खेल में जाट का ओलंपिक मेडल है तो जाटनी का भी ओलंपिक मेडल है। अगर सिविल सर्विस में जाट टॉप रैंक
जाता है तो जाटनी भी टॉप रैंक लाती है। अगर जाट अपने खेत में अच्छी पैदावार करता है तो किसी घटना के कारण किसी घर के जिम्मेदार पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो जाटनी ट्रैक्टर चलाती है, खेत संभालती है, घर संभालती है और जाट के खेत से ज्यादा पैदावार करती है। जाट अगर समाज का गुरूर है तो जाटनी समाज की वो चैन है जिससे एक जाट घर दूसरे जाट घर के रिश्तों के धागों में बंधा हुआ है। ये कामयाबी के आसमान की उड़ान में जाट और जाटनी एक समान है। लेकिन मुझे एक बात खलती है कि हमारे बुजुर्ग कर्म प्रधान थे, प्रकृति पूजक थे, लेकिन आज के जाट समाज के लोग वास्तविक जीवन को छोड़ पाखंड और आडंबर में घुसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। मैं जब भी विज्ञान पढ़ती हूँ या किसी महापुरुष का दर्शन पढ़ती हूँ तो मुझे समझ आता है कि हमें जागरूक होने की जरूरत है। जब मेरी जैसी नन्ही बच्ची ये जानती है कि मेरी सफलता के पीछे 100% मेरी मेहनत और मेरा हुनर काम आएगा, कोई चमत्कार या तंत्र मंत्र मेरी मेहनत के बिना सफलतापूर्वक परिणाम तो ला नहीं सकता। जाट समाज के लोगों को तार्किक होने की जरूरत है। जब दूसरे लोग हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं बनाते हैं तो समझ जाना कि वो आपसे मुनाफा कमाने की फिराक में है। मैं दिल्ली किसान आंदोलन में भी गई थी, वहां भी मैंने अपनी जाट सरदारी और जाट चौधराहट की ताकत को देखा। जाटों का रोम कहे जाने वाले नागौर की धरती से उठकर मध्य प्रदेश की उबड़ खाबड़ जमीनों पर आए थे। हमारे पुरखों ने उस जमीन को अपना खून पसीना एक कर उपजाऊ बनाया जिससे आज हम खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। मेरे दादाजी या मेरे जाट समाज के, मध्य प्रदेश के जाट समाज के लोगों ने कभी भी अपने वजूद को नहीं छोड़ा और आज मध्य प्रदेश पर जाट समाज राज कर रहा है। सम्राट विक्रमादित्य, सम्राट यशोधर्मन विर्क, ग्वालियर वाले भीम सिंह राणा, हरदा के जोगा जाट, यहाँ पर आर्थिक रूप से सक्षम जाट सरदारी मौजूद है। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अपना कुछ पैसा मध्य प्रदेश के समाज के गौरवान्वित प्रचार प्रसार, बच्चों की एजुकेशन और खेल संस्थाएं बनाने के लिए देने चाहिए। बच्चों को समाज की अहमियत समझाओ। मैं तो आपकी नन्ही बच्ची हूँ लेकिन मैं अपने बड़े भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि हर घर का युवा पसंद से समाज के बाहर शादी करोगे तो समाज कहाँ बचेगा। हमारे बड़ों को जीवन के अनुभव की समझ होती है। अगर वो रिश्ते जोड़ते हैं तो रिश्ते खुशहाल रहते हैं। मेरे बड़ों और मेरे बुजुर्गों, बच्चों को सिर्फ बड़ा होता ना देखो, उनके बड़े होने के हर पल में शामिल रहो जिससे वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। यहाँ पर हर स्टेट की जाट सरदारी मौजूद है। यही भरोसा होता है अपनेपन का। मैं आपकी नन्ही बिटिया सानी का आप सभी को दिल से आभार करती है। बोलो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। राम राम।